यहाँ पे एक ये डाउट और आता है कि सर ये सब तो ठीक है अगर हमारे नंबर बढ़ गए है ना तो फायदा है, बट ये बताओ कि अगर हमने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया और नंबर कम हो गए नंबर कम हो गए तो क्या करेंगे, या फेल ही करके मान लो उस सब्जेक्ट में दूसरी बार एग्जाम दिया दूसरी बार में फेल हो गए या नंबर कम आ गए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बेस्ट ऑफ टू कंसीडर होता है, आपका बेस्ट ऑफ टू कंसीडर होता है। पहले में मान लो आपके मार्क्स 80 मार्क्स है ना, 80 पे तो खैर आप इंप्रूवमेंट अप्लाई नहीं करोगे, आपके मान लो 60 मार्क्स है, दूसरी बार आपने इंप्रूवमेंट दिया और आपके लेट से कि 60 से भी कम आ गए 40 आ गए या 30 आ गए या आप एकदम फेल ही कर गए, ठीक है, तो उस केस में आपका जो बेस्ट ऑफ टू होता है ना वही लिया जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डायरेक्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड सीबीएसई टू गिव स्टूडेंट्स चांस, तो ये बच्चों के पास चांस है, मौका है, बच्चों के हाथ में होता है ये सब, तो बच्चों के पास चांस है टू रिटेन देयर ओरिजिनल स्कोर। तो आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको आप रिटेन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ओरिजिनल मार्क्स आपके देखे जाएंगे, बेस्ट ऑफ टू होता है बेसिकली, ठीक है, तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। आप डेफिनेटली अगर आपका स्कोर इंप्रूव हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो जो आपके ओरिजिनल वाले मार्क्स है उतने तो रहेंगे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए भर सकते हो, इसमें आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट वाइज भी, हायर स्टडीज वाइज भी, एंड अल्टीमेटली आपकी मार्कशीट इंप्रूव हो जाएगी, तो वैसे भी कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये मौका होता है जो सीबीएसई की तरफ से सभी बच्चों के पास रहता है, तो डेफिनेटली आप इस मौके को यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके नंबर थोड़े से कम है तो आप, क्योंकि इसमें आपकी काफी टाइम एनर्जी सब कुछ जाने वाला है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो जेई पे फोकस करते हैं, तो अगर आप जेई पे फोकस कर रहे हो और अगर आपके थोड़े बहुत मान लो कि आपका एक्सपेक्टेशन 90 का था और आपके 85 आए तो आप इंप्रूवमेंट के लिए मत जाओ, फिर आप सीधा जेई पे फोकस करो ना, आपका ऑलरेडी 75 प्लस तो है, जब थोड़ा 5-10 के लिए आप उतना फाइट मत मारो, बट अगर आपके बहुत ही कम है ना, क्योंकि आगे चल के हर जगह यूज तो होता ही है, देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तो आता ही है, कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम में भी डिस्प्ले होते हैं आपके मार्क्स आपके परसेंटेज, तो हर जगह इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत यूज तो रहता ही है, आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स है आखिरकार, ठीक है, तो हर जगह आपकी एक पहचान बन के सामने आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके, ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब इसमें नुकसान नहीं है, अगर आपके कम भी आते हैं तो बेस्ट ऑफ द टू आपका कंसिडर किया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।